भाई मैं आपसे बोल तो रही हूँ, आज शाम तक मैं पैसे कर दूंगी। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है। हाँ माँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, पैसे मैं कर दूंगी। अरे मैडम, आप यहाँ फोन पर बात कर रही हैं? वो डॉक्टर आपके पैसे निकाल कर ले गया क्या? एक डॉक्टर हो के तुझे शर्म नहीं आती? एक लड़की के पैसे चुराता है, चल ला मेरे पैसे निकाल। अरे मैडम, कौन से पैसे? दिमाग तो सही है ना आपका, मैंने आपके कोई पैसे नहीं चुराए। झूठ बोल रहा है, मैंने तुझे खुद देखा है मैडम के पैसे चुराते हुए। देख, मैं बोल रहा हूँ शांति से मैडम के पैसे दे दे, नहीं तो तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। देखिए भाई साहब, आप किस बात की कंप्लेंट करोगे? मैंने मैडम के कोई पैसे चुराए नहीं है। मेरा वैसे भी दिमाग खराब है, मैं लेट हो रहा हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाइए और मुझे भी जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएगा तू, मेरे पैसे चुरा के भागना चाहता है, ऐसे पैसे नहीं देगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रुकिए मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, पैसे तो जरूर इसी के पास हैं। अभी मैं इसकी चेकिंग करता हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम, इसके पास तो नहीं है पैसे। अगर इसके पास मेरे पैसे नहीं है तो मेरे पैसे गए कहाँ? अरे मुझे क्या पता आपके पैसे कहाँ गए। मैं तो आपसे पहले मना कर रहा था कि मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए, और ये भाई साहब मेरे पे खामा खाई चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने अपना टाइम तो खराब किया ही और मेरा भी। मैडम आप टेंशन मत लो, पैसे तो जरूर इसी के पास है, जरूरी है इसकी कोई चाल है। ऐसा करते हैं मैडम, इसका पीछा करते हैं। चलो। हे भगवान, कहाँ गए मेरे पैसे? अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? अरे भाई, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे मिल गए हैं। लाओ भैया वो पैसे दो। ये लो। थैंक यू भैया, आपने मेरी मदद करी, और ये लो अपना इनाम, ये लीजिए। रुक जा, ये पैसे मुझे दे। मुझे पता था ये पैसे तूने चुराए हैं, लेकिन मैं तुझसे इसलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तुझे शर्म नहीं आई? डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, सेवा करना, और तू यहाँ पर लड़कियों के पैसे चुरा रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। रुक, तुझे तो अभी पुलिस के हवाले कराता हूँ, जिंदगी में चोरी करना ही भूल जाएगा। रुकिए भाई साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है। और वैसे भी ये पैसे इन मैडम के नहीं, इन भाई साहब के हैं। अच्छा, मुझे पागल समझ रहा है, इन मैडम के पैसे तू नहीं चुराए, वो भी मेरी आंखों के सामने, और ये पैसे इन मैडम के हुए ना कि इन भाई के। अपने बचाव के लिए झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। ये लीजिए मैडम आपके पैसे। रुकिए भाई साहब, ये पैसे इन मैडम के नहीं बल्कि मेरे हैं, और जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और उसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। हाँ भैया, मेरी कल की ट्रेन हो चुकी है, और मैंने माँ के इलाज के लिए पैसे का भी अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ हाँ, मैं कल तक आ जाऊंगा। अरे सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? मेरे पैसे। हाँ मैंने देखा उस लड़की को, अभी वो लड़की लेके भागी है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे पैसे लेके आता हूँ। और आप मुझे अरेस्ट करवा रहे थे ना? अरेस्ट मुझे नहीं, अरेस्ट करवाइए इन मैडम को। और वैसे भी अब तो आपको सच्चाई भी पता पड़ गई कि चोर मैं नहीं, चोर ये मैडम है। हाँ डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बेवजह आप पर शक कर लिया। ये लो भाई आपके पैसे। और तुम दिखने में तो इतने अच्छे घर की लगती हो और चोरी करती हो। रुको, तुम्हें थाने में अरेस्ट करवाऊंगा। जब सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी ना, तो लाइफ में कभी चोरी नहीं करोगी। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। देखिए भाई साहब, गलती आपकी नहीं है, आप अपनी जगह सही हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। गलती इस लड़की की है जो इसने चोरी करी, और इसकी वजह से हम सबको परेशानी झेलनी पड़ी। ले जाइए इसे थाने में यहाँ से। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। कोई सॉरी वोरी नहीं है, अगर तुमने गलती करी है तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब चलो यहाँ से थाने। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे मिल गए, वरना मेरी माँ का इलाज रुक जाता। अरे कोई बात नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हर घर की परेशानी समझ सकता हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि इंसान अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है,
और ठीक है आप जाइए अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।